ये स्टूडेंट्स, जैसा कि डायरेक्टर्स जो है वो अनाउंस हो चुकी है एंड सम ऑफ यू, बल्कि मैनी ऑफ यू वर वेयरिंग के मैं वीडियो बनाऊं और उस पर पूरी डिटेल्स जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो की जाए। दरअसल मैंने भी ऑफकोर्स स्टूडेंट्स को, बच्चों को जो है वो रोका हुआ था कि भाई आप लोग रुक जाइएगा प्लीज़ फाइनल डिटेल्स के लिए, लेकिन जो पोस्टर्स में डिटेल्स हैं देयर इज ऑफकोर्स इनफ जो कि आप लोगों को समझनी चाहिए, वो भी आप लोगों में से ज़्यादा नहीं समझते। और उसके बाद जो पोस्टर में नहीं है, यानी जो चेंजेस हैं टेस्ट में, टेस्ट के इश्यूज़ और उसके बाद पैटर्न, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम बताएंगे। इवन पोस्टर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे स्टूडेंट बहुत पूछ रहे हैं और उनके लिए बताना बड़ा ज़रूरी है और उनके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, तो हमारे लिए बताना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। सो देखते हैं चेंजेस क्या क्या हैं। और आज ऑफकोर्स आप लोगों को जिनके बारे में मैं बताऊँगा, जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा, सो आप लोगों को वो थोड़ा बहुत मद्देनज़र रखनी है। और दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी क्या क्या चीज़ें होंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैथमेटिक्स टॉपिक्स, वेटेज क्या होगा, फेजेस क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप्स, नेगेटिव्स एंड दोनों फेजेस के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये फेजेस भी हैं या क्या है, टेस्ट में बड़ी चेंजेस आई है, लेट्स सी। और क्योंकि पहले क्या होता था कि इंजीनियरिंग और यानी नॉन इंजीनियरिंग वालों के जो मतलब टेस्ट बनाई जाती थी अलग बनाई जाती थी, नाउ अब एक ही पोस्टर में आ गया, तो क्या सीन है। प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये कम्प्लीट वीडियो देखने के बाद हमसे सवाल कीजिएगा, क्योंकि हमने मेजॉरिटी, हम क्या करते हैं कि मेजॉरिटी सवालात के जवाब एक वीडियो में दे देते हैं, इस वीडियो में सारे सवालात के जवाब आप लोगों के मोस्टली हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने करना क्या है कि वीडियो पूरी देखनी है, उसके बाद आप लोगों ने जाके सवाल करने हैं इफ़ यू आर अनक्लियर, ठीक है। और उसके बाद यह है कि अगर मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूं कि ये वीडियो प्लीज़ शेयर भी किया करें, ताकि कुछ स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है ना, और वो ताकि परेशान ना हो, क्योंकि चेंजेस ज़्यादा हुई है तो स्टूडेंट के लिए बड़ा इशू होता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट होती है, और वो बगैर रिसर्च के, अब मैं स्पेशली करता भी नहीं हूँ बात, और वीडियो इसलिए मैं एक दो दिन बाद भेजता हूँ कि पूरा रिसर्च करके, पूरी तसल्ली करके आप लोग इन्फॉर्मेशन दी जाए। एंड स्पेशली मी या मी एकेडमी, ठीक है ना, मैं या मी एकेडमी जो है ऑफकोर्स जुड़े ही हुए हैं, सो हम या मी एकेडमी की टीम भी, कोई भी हम लोगों से आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन जो डाउट के बेस पे होगी और उसको हम 100% नहीं कहेंगे। हमारे देखें पोस्टर्स हो या हमारी कोई इन्फॉर्मेशन हो या हमारी कोई आउटलाइन हो, हम ऐसे फेंक नहीं देते, बता नहीं देते, क्योंकि वो हमें पता है कि हर साल चेंजेस होती हैं, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट बोल नहीं देते, ठीक है ना। सुनिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वेयरिंग। लुक, सबसे पहले तो पोस्टर देखते हैं, पोस्टर की इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताता चलता हूँ। पोस्टर में सबसे पहले देखें एडमिशंस 2024 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, और उसी में BS 4 ईयर्स मेन कैंपस के लिए जो ऊपर ऊपर पूरा मेन कैंपस लिखा हुआ है, ना लुक एट दिस एंड ऑफकोर्स आप लोगों में पोस्टर ऊपर भी लगा देता हूँ। BS 4 ईयर्स BS के लिए कौन से हैं, उनका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस है। मैथ्स आ गई, देखिएगा जरा। अब आगे BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर्स की होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर में दोनों में। उसके बाद BBA 4 ईयर्स मार्केटिंग फाइनेंस एंड HRM, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। BE कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, BE कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंजीनियरिंग पार्ट, यानी इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग होते हैं जो BS प्रोग्राम में, जो मैथ्स है दैट इज इंजीनियरिंग पार्ट, नॉन इंजीनियरिंग में जो सारे और थे BS प्रोग्राम में, भले पीछे करके सुन लें, वो क्या है नॉन इंजीनियरिंग में आए हैं। और इंजीनियरिंग वाले कौन से हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिस्टम, ये मतलब इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, तीन डिपार्टमेंट्स ये इंजीनियरिंग में। इनकी टेस्ट कैसे होगी वो भी बता रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे वो भी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, डोंट वरी। BBA के प्रोग्राम आप लोगों को बता दिए। उसके बाद कंदकोट कैंपस है, कंदकोट कैंपस में BBA भी हो रही है, तीनों ऑफकोर्स HRM मार्केटिंग एंड फाइनेंस होगी। BS 4 ईयर्स जो है वो कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो रही है। एंड उसके बाद दादू कैंपस में यू गाइज हैव BBA ऑफ कोर्स एंड उसके बाद BS 4 ईयर्स, ओके, सेम जो कि कंदकोट कैंपस में थी। आते हैं खैरपुर कैंपस में, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है। अब बात आती है कि भाई जो स्कॉलरशिप्स यहाँ लिखा हुआ है, स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल फॉर रेगुलर प्रोग्राम्स,
देखिए वहाँ पे लिखा है स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर रेगुलर प्रोग्राम्स। एंड पहले क्या होता था कि एक दो बार इन्होंने किया है कि यानी टॉप 5 को टॉप 10 को या एक सेमेस्टर के लिए एक साल के लिए ये फ्रीशिप देते थे, वो डिपार्टमेंट्स खुद करते थे, जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वो खुद करते हैं। अब की बार ऐसा सीन नहीं है, अब की बार ये लिखने का पर्पज यह है कि आप जब आप एडमिशन ले लेते हैं और मिसाल के तौर पे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो फाइनेंशियली थोड़े वीक होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो एक दो सेमेस्टर का पे कर लेते हैं, उसके बाद सीन होता है स्कॉलरशिप का। यस, आप जब यहाँ पे फी पे करते हैं तो एक दो सेमेस्टर यानी पहले सेमेस्टर में ही स्कॉलरशिप यहाँ पे आना स्टार्ट होती हैं। उनका सिर्फ इंटरव्यू होता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। इंटरव्यू होता है, बैकग्राउंड वगैरह आप फॉर्म वगैरह तो ऑफकोर्स फिल करते हैं आप लोग, बाकी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट्स होते हैं आप लोग सवाल करते हैं और आप उनके जवाब देते हैं, फिर आपकी एलिजिबिलिटी का पता चलता है कि आया आपको स्कॉलरशिप दी जाए या नहीं दी जाए। अब उसके बाद आते हैं लास्ट डेट, लास्ट डेट ऑफकोर्स June 13 एंड June 23 टेस्ट है, और एडमिशन टेस्ट पैटर्न जो है इंग्लिश मैथ्स एंड IQ। अब इंग्लिश मैथ्स एंड IQ देखें, अब थोड़ा परेशान होंगे बच्चे। अच्छा मैं थोड़ा बीच में बता देता हूँ कि टेस्ट जो है ना वो दो राउंड्स में ली जाएगी, पहले फेजेस होते थे, अब के बाद राउंड्स हैं। अब राउंड्स में बताता हूँ मतलब क्या है। अब क्योंकि पहले एक ही पोस्टर में सारे सब्जेक्ट्स सारे डिपार्टमेंट्स ऑफकोर्स आ गए, पहले ऐसा नहीं होता था। अब इससे मुराद क्या है वो भी बताता हूँ। टेस्ट सिर्फ मैथ्स इंग्लिश एंड IQ से ली जाएगी, 40-40 and 20 रेशियो है, IQ का 20 और उसका 40-40 होगा। सिर्फ इन सब्जेक्ट से ली जाएगी, जो इंजीनियरिंग वाले बंदे हैं, मैथमेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिस्टम, इनसे जो टेस्ट ली जाएगी वो मैथ्स इंग्लिश एंड IQ सब्जेक्ट सेम है, मगर इनका जो मैथ्स का पोर्शन होगा वो इंटरमीडिएट का होगा। जो नॉन इंजीनियरिंग वाले हैं, जो इनके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सेम आउटलाइन है जो कि प्रीवियस ईयर थी, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चे भी होते हैं वो भी यानी उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनके लिए प्रीवियस है आउटलाइन होगी जो कि हम लोग फॉलो करवाते हैं, ठीक है ना। अच्छा फॉलो से मुराद ये है कि अगर आप लोग क्लासेस, यस मैं भूल गया, क्लासेस अगर आप लोग लेनी है तो ऑनलाइन हमारी क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी हैं ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद फिजिकल क्लासेस हमारी सैटरडे को स्टार्ट होंगी, यानी 18th of May को, ठीक है ना, 18th of May को हमारी क्लासेस स्टार्ट है, फिजिकल सखर में होती है, सेंट मैरीज हाई स्कूल में। इफ़ यू वांट टू अप्लाई स्टिल आप लोग इस व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके आप अपनी एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है ना, या उधर आ गए 3 से 6 बजे तक आप लोग अपनी एडमिशन करा सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। ओके, अब इंग्लिश मैथ्स IQ इंजीनियरिंग वालों के लिए भी, नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए भी सेम है, मगर यह कि मैथ्स का थोड़ा डिफरेंस होगा, बाकी IQ एंड इंग्लिश सेम एज इट इज दोनों के लिए, ठीक है, टेस्ट होगी वहाँ पे। अच्छा बाकी डिटेल्स कनकोट कैंपस वगैरह की इधर दी गई है, बाकी असल में जो सवाल आते हैं वहाँ पे आते हैं जो कि आप लोग अनक्लियर हैं अबाउट ऑल दोस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जिन्होंने इंटरमीडिएट 2022, 2023 and 2024 में अभी जो कंप्लीट करेंगे 2024 में, दे आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। ओके, अच्छा उसके बाद एक और चीज़ है कि पहले क्या कहते थे एलिजिबिलिटी में, क्या कहते हैं, BCom वाले, BSc वाले, BA वाले ये एलिजिबल होते थे फॉर BA 2.5 इयर्स जो एक्सटेंशन प्रोग्राम का आ जाता था, अब की बार वो नहीं है, ठीक है ना, एक्सटेंशन प्रोग्राम नहीं है, और BA वाला BSc वाले दे कैन नॉट अप्लाई फॉर दैट। अच्छा उसके बाद टॉपिक्स ऑफ मैथ्स जो है देखें, दरियाए बड़ा एंड जस्ट ट्राइंग के भाई आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूँ, बाकी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, मैं मोटे मोटे टॉपिक्स बता देता हूँ। देखें टॉपिक्स जो हैं वो बेसिक में से ऑफकोर्स एक्सपोनेंट्स होंगे, रियल नंबर सिस्टम है, सेट्स हैं, LCM HCF है, रेप्लिकेशन हो गई, जो आप लोगों के यहाँ रूट्स हैं, ठीक है ना, रूट्स को बड़ा देखिएगा, एंड उसके बाद अलजेब्रा बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, अलजेब्रा में ये सारी चीज़ें इनइक्वालिटीज आ गई, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गई और फार्मूलाज आ गए, ये सारी चीज़ें उसी में आ गई, फैक्टराइजेशन आ गई और ये सारी चीज़ें, ठीक, और ग्राफ्स आ गए, एंड उसके बाद एज प्रॉब्लम आ गए, एवरेजेस आ गए, और उसके हाँ डायरेक्ट फंक्शन आ गया, एंड ज्योमेट्री आ गई, ये सारी चीज़ें, मैट्रिसेस आ गए, एल्गोरिथम आ गया, यानी ये नॉन इंजीनियरिंग में सारे आते हैं, इंजीनियरिंग वाले जो है वो आप लोग यानी पूरा इंटरमीडिएट का सिलेबस देखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा जुलूम है आप लोगों पे, अच्छा नहीं बल्कि आप लोगों को चाहिए ऐसा। तो ये टॉपिक्स होंगे आप लोगों के, ये सिर्फ नहीं बट दो चार और भी हैं जो कि आपको हो सकते हैं मेरे जहन में ना। अच्छा अब आगे आते हैं वेटेज का, वेटेज मैंने बता दिया कि 40-40 इंग्लिश एंड मैथ्स एंड 10 जो 20 जो है वो IQ के 20, ठीक है। अच्छा फेजेस अब मैं बात करूँ फेजेस की, तो फेजेस देखिए ना जरा, फेजेस बड़ी बात है इसमें, फेजेस की फेजेस ये है कि आप राउंड होंगे, फेजेस नहीं होंगे। 23 को आप टेस्ट देंगे,
टॉप स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे 400 बच्चे उठाने हैं आईबीए वालों को, लेट से, ठीक। अब क्या है कि 400 बच्चों में से पहले राउंड में टॉप 200 लेंगे और दूसरे राउंड में भी टॉप 200 लेंगे, उन टॉप 200 को ही ले, यानी उसमें से टॉप 200, उसमें टॉप 200 तो 400 हो गया, तो 400 पूरे हो गए। तो यानी इससे मतलब यह है कि पहला राउंड आप लोगों का 23 को होगा, ठीक है, जब टेस्ट होगी, और उसी दिन यानी एक दो दिन के अंदर अंदर आप लोगों के पास दूसरे राउंड की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, जो कि वो भी एक मंथ के अंदर आप लोगों की टेस्ट होगी, ठीक है। इस वक्त फ़ायदा ये है कि जो पहले राउंड वाले बच्चे हैं वो डायरेक्ट जो है मतलब फॉर्म फिल कर देंगे दूसरे के लिए। इसमें यह होगा कि जिनको इम्प्रूवमेंट की नीड है, दे विल इम्प्रूव एंड वो फिर टेस्ट देंगे और वो वहाँ से आ जाएंगे। इट इज़ फॉर ऑल, यानी इंजीनियरिंग हो नॉन इंजीनियरिंग हो, दोनों के लिए दूसरा राउंड होगा, क्योंकि एक ही टेस्ट है सबके लिए, एक ही जगह पे, एक ही वक्त पे, फिर दूसरा राउंड भी दोनों के लिए होगा और इंशाल्लाह सबके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है, पासिंग क्राइटेरिया। देखिए पासिंग क्राइटेरिया, जैसे कि अभी मैंने कहा कि 200 टॉप या 400 टॉप या 500 टॉप, सो आपने टॉप उठाना है, यानी पहले क्राइटेरिया वगैरह होता था, आपके पास क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया से मुराद क्या है कि आप इतनी मार्क्स उठाएं बस आप पास हैं, इतनी मार्क्स पे पास नहीं हो सकते आप। अब के बारे कॉम्पिटिशन भी 270 प्लस आ गए तो अगर आप 70 प्लस में हैं तो वाह वाह आप पास हो जाएंगे, अगर 240 प्लस भी आ गए मिसाल के तौर पे तो भी फिर पास है। यानी यहाँ पे कॉम्पिटिशन भाई, आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे आप उतना सिक्योर है, ठीक है ना। करनी तैयारी है, घर बैठ के हवाल नहीं करना है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे खाम खा के पोस्टर्स इधर उधर, और ये जो आजकल पता नहीं क्या लगे हुए हैं लोग के क्या कहते हैं ग्रुप्स इतने ज्वाइन कर लिए कि भाई वहाँ पे 20-20 मटेरियल आ रहा है, वो 20-20 PDFs आ रहे हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं पढ़ते हम, ठीक है ना। मुझे पता है 5 साल से काम कर रहा हूँ तो आई नो वेरी वेल, हम नहीं पढ़ते, ठीक है ना। सो ऑनेस्टली, सो ऐसी चीज़ों में ना भागें, तैयारी करें, चीज़ को पकड़ें, टॉपिक को पकड़ें, क्लियर करें, वाह वाह हो जाएगा, डन। अच्छा, आगे एक और सवाल है स्कॉलरशिप सीन्स जो है वो बता दिया मैंने स्कॉलरशिप्स का, कि वो आप लोगों को टॉप वगैरह को कोई सीन नहीं है, आप लोग अंडर ग्रेजुएट जब होंगे तो अंदर ही आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगी, बस आप लोगों ने लगा देने, ठीक है ना, शाबाश। उसके बाद क्या है, कहना दे अप्लाई फॉर बोथ फेजेस, यस फेजेस, क्योंकि पिछला फेज था इसलिए मैं फेज का नाम ले रहा हूँ, अब राउंड है, देखें अप्लाई फॉर बोथ राउंड, पहले राउंड में अप्लाई कर दिया, अब दूसरा राउंड जो है आपके पहले राउंड के टेस्ट के बाद आएगा, यू कैन अप्लाई फॉर दैट एज वेल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज थी हॉस्टल, इधर लिखा गया लिमिटेड सीट्स अवेलेबल फॉर हॉस्टल फैसिलिटी, लिमिटेड सीट्स जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी के लिए अवेलेबल है। देखिए मिसाल के तौर पे 400 उठाते हैं तो आप एक सोचिएगा कि 400 स्टूडेंट्स हैं तो 400 लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करेंगे आईबीए वाले, ठीक है। हॉस्टल उनको प्रोवाइड करेंगे जो टॉप पे होंगे, ऐसा कोई नहीं समझे कि भाई हम इस एरिया से हैं, दूर से हैं तो हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी, नहीं। लिस्ट वाइज जो टॉप पे आएंगे उनको हॉस्टल दी जाएगी, जो लिस्ट वाइज टॉप पे नहीं आएंगे, टॉप से मुराद के 400 में से भी टॉप जो आएंगे तो ऑफकोर्स उन्हीं को हॉस्टल दी जाएगी, अदरवाइज हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर दी जाएगी। हॉस्टल हमारी है, कोई मसला नहीं, आई बी ए ना दे तो ऑफकोर्स वी आर ऑलवेज हियर एज अ प्राइवेट हॉस्टल, हमारी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हम बड़ा अच्छा फैसिलिटेट करते हैं, थैंक यू। ये सारी चीज़ें होंगी ये वाली। अब मसला जो आप लोगों का है वो है सवाल पे सवाल पूछना, ये पता नहीं कब बीमारी जाएगी हमसे। देखिए सवाल आपको पूछना तब वो अच्छा लगेगा हमें आपका पूछना, कि वो ये है कि आप लोग अगर अच्छे तरीके से सुन लेते हैं पूरी वीडियो, होप सो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुनी होगी। लेट मी नो इफ यू हैव लिसन ऑल दिस वीडियो एंड अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स जो कि मैंने बताई, एंड फॉर्म प्लीज़ फिल करना स्टार्ट कर दें, भले फॉर्म में जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं सारी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, फिर इंशाल्लाह आगे साथ हैं। Till that, join our academy, join our classes and join us to be passed there, ठीक है, to be in IB Sakhar University। हम लोग बड़े अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं, बड़ी दिल जान से मेहनत कर रहे होते हैं। So, wish you best of luck, thank you so much, love you all, and हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, थैंक यू।